जीते हैं जिंदगी को जो बाहों में अपने लेके, खुदी के आतिशों में जिनने हाथ अपने सेके, देख इनकी रोशनी अंधेरे हैं बेहाल से, जल पड़े हैं सब दिए इन्हीं की एक मशाल से। घर की सबसे बड़ी थी और मेरे सपने उससे ही बड़े थे, तो उस समय से ही मैंने सोचा था कि मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है। मगर कभी कभी जिंदगी ऐसे दाव खेल जाती है कि कदम लड़खड़ा जाते हैं। मैं साइकिल चलाते हुए आ रही थी तो ब्रिज पे आके मेरे साइकिल का बैलेंस बिगड़ गया और मैं ब्रिज से नीचे जा गिरी, जिसकी वजह से मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई और मेरी आधी बॉडी पैरालाइज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे ज़िंदगी ख़त्म सी हो गई है। हदों के दायरे जो तोड़े पूरे उसके ख्वाब हैं, आफतें भी घुटने टेके ऐसा कुछ रुबाब है। वही है जिनके सामने चुनौतियां नाकाम हैं, जिसके दिल में आग है, हौसला फौलाद है। लाइफ तो चुनौती देती रहती है, बट उस चुनौती से लड़कर उभरना हमारे हाथ में है। 4 साल से मैं जॉब ढूंढ रही थी बट कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। चंडीगढ़ में रिहैब से ही स्विगी के बारे में पता चला और स्विगी ने मुझे ये जॉब की अपॉर्चुनिटी दी और ऐसा लगा कि मेरे पंख लग गए हैं, मैं आराम से कहीं भी घूम फिर सकती हूँ। एक ज़माना था जैसे मेरी मम्मी की लाइफ बस किचन और बच्चों में सीमित होकर रह गई थी, बट अब देखिए हम जैसे हजारों लड़कियाँ अपना करियर बना रही हैं और अपने सपनों को जी रही है। मेरे सपने अभी और भी हैं, मैं टेबल टेनिस खेलती हूँ और मेरा एक सपना है कि मैं पैरालंपिक्स में इंडिया के लिए गोल्ड जीतूं। आंख मीच सपने बुनना ही तो एक निज़ाम है, नज़र उठा के ख्वाब देखना तो इनका काम है। हैं मिसाल बन रहे ये वीर, इनका नाम है, बेमिसाल हैं ये, इन्हें करते हम सलाम हैं। स्विगी सलाम करती है विद्या के सपनों को, जिसके दम पर वो यहाँ तक पहुँची है।